हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू स्पार्क फिजिक्स बाय आशीष शर्मा सर। टुडे वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ कैपेसिटर्स, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टॉपिक्स ऑन कैपेसिटर्स। नाउ व्हेन कम्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी अभी तक हम पढ़ते आए हैं, इट इज वर्क डन, right? Obviously here also we will see it is work done. Which work done? Capacitor में कौन सा work done निकालना है हमको, ये देखना होगा। Capacitor में जब हम charge देते हैं potential भी बढ़ता है, okay? तो charge आप दे रहे हैं उसको, potential उसका बढ़ गया। After some time, suppose you want to add few more charges to it, some small amount of charge to it, what will happen? आप यहां चार्ज ऐड करना चाह रहे हैं, राइट? तो जो पहले से चार्ज प्रेजेंट है और ये जो चार्ज आपने ऐड किया, इनके बीच में रिपल्शन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी देयर। सो टू ऐड दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज वी नीड टू डू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन आपको एक सर्टेन वैल्यू तक ये चार्ज ऐड करना है, सो दैट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो पूरा चार्ज को ऐड करने के लिए हमको करना पड़ा, दैट टोटल वर्क डन इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो व्हाट वी कैन राइट, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज नथिंग बट वर्क डन इन स्टोरिंग चार्जेस, राइट, इन द कैपेसिटर्स। ओके, नाउ आइदर यू कैन राइट वर्क डन इन स्टोरिंग चार्जेस इन द कैपेसिटर और वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर। हम सी ले लेते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, now suppose if we take we will take V and say Q be the instantaneous potential and charge on capacitor, okay? हमने V और Q इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल और चार्ज ले लिया कैपेसिटर पे। अब सपोज वी वांट टू ऐड dQ चार्ज, आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो यदि आपका V पोटेंशियल है, Q चार्ज है, वी हैव रिलेशन Q इज इक्वल टू CV, सो V इज इक्वल टू, वी हैव Q इज इक्वल टू CV, so we will be having Q upon C. Now when we want to add dQ charge, as I said कि repulsion लगेगा, तो उसके against हमको work करना है उसको add करने में, so that work done we will be calculating, right? The small amount of work done in adding charge dQ टू दी कैपेसिटर कितना आएगा? dW इज इक्वल टू, वी हैव फॉर्मूला, पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, सो वर्क विल बी पोटेंशियल इंटू चार्ज, ठीक है? अब हमको निकालना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू सम वैल्यू क्यू। सो टोटल वर्क डन in charging the capacitor to charge Q, इतना हम चार्ज उसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि टोटल वर्क डन कैसे हुआ। ये हम कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि स्मॉल वर्क डन मिल गया, टोटल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। गुड,
इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी क्यू फ्रॉम जीरो टू क्यू। हम मान लेते हैं कि इनिशियली जीरो था, एक ऐड किया आपने फिर रिपल्शन हुआ, दूसरा ऐड करने पर रिपल्शन हुआ तो वर्क करना पड़ा, तो टोटल वर्क डन करने के लिए कहां से कहां तक हम चार्ज कर दें उसको, कैपिटल क्यू तक। हमारे पास v की वैल्यू ऑलरेडी है, सो वी कैन पुट दैट q बाई सी इंटू डी क्यू। ओके, नाउ यू सी वी कैन टेक आउट 1 बाई सी कॉमन, इंटीग्रेशन q डी क्यू। फॉर्मूला क्या है हमारा इंटीग्रेशन का, x रेस्ट टू द पावर n का, x रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वेरी गुड, सो दिस वी कैन राइट 1 बाई सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वी विल गेट q स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल q। ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर, यू सी नाउ वर्क डन विल बी इक्वल टू हाउ मच वी आर गेटिंग, अपर लिमिट वी विल बी राइटिंग कैपिटल क्यू हियर। ओके, सो 1 अपॉन सी, अपर लिमिट इज कैपिटल क्यू, सो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, सो दिस वर्क डन वी आर गेटिंग क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ये जो वर्क डन है ना, यही कैपेसिटर की एनर्जी होती है। अब हम इससे हम और भी रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे, वी हैव q इज इक्वल टू cv, q की वैल्यू यहां रखेंगे तो वर्क क्या आ जाएगा, q स्क्वायर की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो दैट विल बी c स्क्वायर v स्क्वायर और एक c कट जाएगा, सो वी विल गेट हाफ cv स्क्वायर। दिस इज अनदर रिलेशन। और रिलेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब आप क्या कीजिए, c की वैल्यू q अपॉन v रख दीजिए, c की वैल्यू यहां पर q अपॉन v रख दीजिए, तो क्या होगा, q से q कट जाएगा और v ऊपर जाएगा, सो यू विल गेट w इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्क विच वी आर गेटिंग। तो यही तो एनर्जी है, हमने क्या लिखा, वर्क डन इन स्टोरिंग द चार्जेस, हमने वर्क डन निकाल लिया, सो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर बाई 2c विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ qv। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए आप, यदि हमने बैटरी V लगाई है, चार्ज हम कैपिटल Q दे रहे हैं, तो व्हाट इज वर्क डन, पोटेंशियल इनटू चार्ज, सो W इज इक्वल टू qv, तो एनर्जी वहां से क्या आ रही है, W इज इक्वल टू qv, ये एनर्जी यहां की होना चाहिए थी, पर हमको मिल रही है हाफ qv, तो ये आधी कैसे बची, ये आधी इसलिए बची क्योंकि ऑलवेज whatever energy we provide the output is never that total amount of energy, of course total energy is conserved, लेकिन क्या होता है, कुछ ना कुछ energy heat में या other forms में transform हो जाती है, तो ultimately हमको यहाँ पर energy कितनी मिल रही है, 50%, we are giving qv, here we are getting half qv, right? आप चाहें तो इसका graph भी बना सकते हैं बिटवीन क्यू एंड वी, कैसे बनेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड चार्ज, क्या मिलेगा, चार्ज हम बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो ऑब्वियसली द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। यदि हम इसका एरिया निकालें, क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो वी विल गेट हाफ बेस इंटू हाइट इज ए बी।
ओके विच विल गिव यू हाफ ओ बी वी हैव चार्ज क्यू ए बी इज पोटेंशियल वी सो सी हियर एरिया वी आर गेटिंग हाफ क्यू वी और ये हमने क्या निकाला था अभी दिस इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड है ना तो वी आर गेटिंग एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इसका मतलब ये है कि यदि हम पोटेंशियल और चार्ज के बीच में ग्राफ बनाएं और उसके बीच का एरिया यदि निकालना है एरिया अंडर द कर्व इफ वी फाइंड आउट दैट विल बी गिविंग यू न्यूमेरिकली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर राइट दिस फिनिशेस विद टुडेज टॉपिक वी विल कम विद फ्यू मोर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू चिल्ड्रन